हाय एवरीवन, आई होप आप और आपका परिवार ठीक होगा। मैं ज्योति गड़िया महर आपका स्वागत करती हूँ अपने ज्योति गड़िया चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के बाद वेट लॉस कैसे किया जाए। तो ये मेरी कहानी है वेट लॉस की, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि प्रेगनेंसी के बाद मैंने अपना वेट लॉस कैसे किया। तो मेरा जो लास्ट वेट गया था प्रेगनेंसी के टाइम पे वो था 78 और आज के टाइम पे मेरा वेट है 61 और 2-3 महीने पहले मेरा वेट था 59। मुझे लगा कि मुझे अपना थोड़ा वेट बढ़ाना चाहिए, तब जाके आई एम लुकिंग परफेक्ट। तो मैंने अपना 2-3 केजी वेट बढ़ाया, नाउ मेरा वेट है 61। तो मेरे को बहुत टेंशन हो गई थी जब मेरा वेट 78 था, क्योंकि हर कोई मुझसे बोलता था यार कि तू काफ़ी मोटी हो चुकी है, बॉडी शेमिंग स्टार्ट हो गई थी। मैं घर जाती थी तो मेरे फादर इन लॉ भी मुझसे बोलते थे कि ज्योति आपका वेट ज़्यादा हो रहा है, और मेरे घर से भी जितने लोग आते थे वो बोलते थे कि अभी तो इतनी छोटी है बट तू एज से ज़्यादा दिख रही है, 40 साल की दिख रही है, 50 साल की दिख रही है। तो मुझे बहुत अजीब सा या बहुत गंदा फील होता था कि मेरा बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता जा रहा था कि कहते क्या मैं पहली जैसी हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी। बट मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि मैं हेल्प करूँगा, तो उनने भी अपना वेट लॉस करा और मैंने, हम दोनों ने ही अपना एक साथ वेट लॉस किया। वो भी 78 थे, ना वो 65 है और मैं 59 थी उस जब गई लास्ट वेट 59, अभी तो मेरा 61 है। तो मुझे लगा कि वेट लॉस करना चाहिए, ये नहीं कि लोगों ने मुझसे कहा कि आप वेट लॉस करो, मुझे खुद को लगा कि मुझे वेट लॉस करना चाहिए। मैंने अपने आप के लिए किया ताकि मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर रहा है वो बढ़े। तो उसके लिए मैं क्या करती थी, और साथ में मतलब यहाँ मैं अकेले रहती हूँ तो अकेले साथ में अकेले वेट लॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरी इतनी छोटी बेबी भी है तो उसके साथ वेट लॉस करना बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने कहा कि हाँ कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो इसीलिए मेरा ये मानना कि अगर मैं कोशिश करूँगी तो एक ना एक दिन मुझे सफलता मिल ही जाएगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कोई नहीं, बेबी है तो उसके साथ ही मैं करूँगी अपना वेट लॉस। फिर मैंने क्या करा, हर रोज़ सुबह बहुत सारे यूट्यूब के चैनल देखे कैसे वेट लॉस करते, फिर मैंने उन सब में से बहुत सारी चीज़ें सेलेक्ट करी और उन चीज़ों को अपनाया। तो मैं ये करती थी सुबह, जो मेरा रूटीन था उस टाइम पे, मैं सुबह उठते ही अजवाइन पानी पीती थी, रात को मैं उसको भिगोने के लिए लगाती थी, फिर सुबह मैं अजवाइन पानी पीती थी, फिर उसके बाद मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करती थी। मेरा ऑपरेशन था तो मैं सारी एक्सरसाइज नहीं कर सकती थी, जो ऑपरेशन जिनका ऑपरेशन होता है उनके लिए अलग एक्सरसाइज होती है, तो मैंने यूट्यूब से देखी और फिर मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करती थी आधे घंटे। आप यकीन नहीं करोगे, मैं अपनी जो रूम्स वगैरह, मैं सुबह वॉक के लिए नहीं जा सकती थी क्योंकि बेबी है, तो कहते हैं नहीं हो पाता था मैनेज, और मेरे हस्बैंड का ऑफिस भी होता था, मैनेज नहीं हो पाता, तो मैं उसको पकड़ के रनिंग करती थी, एक रूम से दूसरे रूम, दूसरे रूम से तीसरे। हाँ, मेरे वेट लॉस होने का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये था कि मैं फीडिंग कराती हूँ, जिसकी वजह से मेरा वेट लॉस बहुत जल्दी कम हुआ। 3 महीने में ही मेरा वेट बहुत कम हो गया था क्योंकि फीडिंग कराने की, क्योंकि आप अगर कहते हैं आपकी प्रेगनेंट आपका बेबी है और आप उसको फीडिंग कराते हो तो ये सबसे अच्छे चांसेस हैं कि आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। फीडिंग कराने से वेट लॉस बहुत अच्छा होता है और मदर और डॉटर का बहुत अच्छा बॉन्ड भी बनता है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को फीडिंग कराइए अपने 2 साल तक का। फिर उसके बाद मैं हर रोज़ शाम को वॉक में पक्का जाती थी, अगर घर में कोई नहीं आप बेबी को ले जाइए ताकि उसकी भी बाहर कुछ एक्टिविटी हो जाए, वो भी बाहर का कुछ देखे, क्योंकि उनको भी बाहर ले जाना ज़रूरी है, तो उसको ही लेके आप वॉक करिए, वो और अच्छा होगा। तो मैं उसको लेके 5-5 किलोमीटर या ऐसे हर रोज वॉक करती थी, मैं वॉक कभी नहीं छोड़ती थी, और मेरे हस्बैंड मेरे साथ जाते थे वॉक करने, कभी वो पकड़ते थे इश्की को, कभी मैं पकड़ती थी। तो इस तरीके से मेरा वेट लॉस, और हाँ ज़्यादा खाना खाइए हर 2-2 घंटे के बाद गए, पर ज़्यादा क्वांटिटी में खाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा खाइए, उससे क्या होता है कि आपका डाइजेशन जल्दी, मतलब खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही खाना खाइए, एक साथ ज़्यादा मत खाइए, और प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा लीजिए, कार्ब्स वाली चीज़ें कम लीजिए। प्रोटीन वाली जैसी चीज़ें क्या होती हैं, दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, ऐसी चीज़ें खाइए जिससे हमें प्रोटीन ज़्यादा मिलता हो। और दूसरा, और हाँ चीनी वाली चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करिए, उससे चीनी वाली चीज़ें, कहते हैं चीनी से हमारी कैलोरीज
गेन होती हैं, तो इसीलिए चीनी वाली चीज़ें बिल्कुल छोड़ दीजिए। अच्छा अच्छा खाना खाइए। जब भूख लगती है तो आपको लगता है कि जैसे आपको जंक फूड खाने का मन कर रहा है या आपको लगता है कि मुझे उससे काम, उस टाइम पे आप फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, क्योंकि आप फीडिंग करा रहे हो तो आपको अच्छा अच्छा खाना भी जरूरी है, ताकि आपके बच्चे पास अच्छा अच्छा प्रोटीन जाए। इसीलिए आपको अच्छा खाना खाना उस टाइम पर बहुत ज़रूरी है। और मेन सबसे इम्पॉर्टेंट है, वॉक करिए। वॉक अगर आप हर रोज़ करेंगे तो वैसे ही आपका वेट लॉस हो जाएगा। और अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फीडिंग कराइए, फीडिंग कराने से भी वेट लॉस बहुत होता है। और साथ ही साथ जो मदर और डॉटर या मदर और सन का बॉन्ड भी बहुत अच्छा बनता है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए। ये मेरी कहानी थी और ये जो थी रियल थी। आपको लग रहा होगा कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा था और आज के टाइम पे मेरा वेट बहुत कम है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है। तो इसीलिए जो मेहनत मैं कर सकती हूँ वो मेहनत आप भी कर सकते हैं। तो वेट लॉस अगर आप चाहते हैं कुछ करना लाइफ में तो यहीं से उसकी शुरुआत होती है। अगर आपका वेट ऑलरेडी कम होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी बढ़ जाएगा। इसीलिए वेट कम करिए, बट वेट कम करिए अपने के लिए नहीं, अपने के लिए करिए। वेट कम करना है बट अपने के लिए, या ऐसा नहीं कि दूसरे कह रहे हैं इसलिए आप वेट कम कर रहे हो। आपको लगता है कि मुझे वेट कम करना चाहिए तो करिए, क्योंकि हम जैसे भी हैं परफेक्ट हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे ऐसे ही वेट में आप खुश हो तो खुश रहिए, क्योंकि लाइफ का सबसे बड़ा गोल है खुश रहना। अगर आप वैसे ही खुश हैं तो खुश रहिए। और कहते हैं आपको लगता है वेट लॉस करके आप और ज़्यादा खुश हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा खुश होइए। तो बाय बाय गाइस, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है और मैं आपको बहुत बोर भी करती हूँ हर वीडियो में, मुझे पता है। अगर थोड़ी सी वीडियो आती है, ये मेरा न्यू चैनल है, मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। तो इसीलिए थैंक यू सो मच फ्रेंड। बाय बाय।